लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने बच्चों के साथ हुए इस खौफनाक अंजाम को देखकर कितने माँ बाप अभी तक रो रहे हैं पता है आप लोगों को? ट्रकों में भर भर कर ले जाने वाले हड्डियों में कहीं हमारे बच्चों की भी हड्डियां ना हो, ये सोचकर उन हड्डियों को पहचानने की कोशिश न जाने कितने माँ बाप ने की है। इस कठोर कार्य की तहकीकात के लिए ही मेरे नेतृत्व में CBI ने इस इंक्वायरी कमीशन का गठन किया है। क्या पूछा आपने? किसी ने पीछे से पूछा कि करोड़ों रुपए मिल जाए तो इस इंक्वायरी कमीशन को बंद करके आप जाएंगे कि नहीं? कौन था वो? सॉरी, कुछ पत्रकारों के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना सवाल करने की वजह से ही मैंने आपको ये क्लिपिंग सिखाई। कमिश्नर साहब, आपसे एक सवाल है। Yes. क्या फरार हुए मुजरिम को पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ा तो ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पूरे डिपार्टमेंट के लिए बेइज्जती की बात होगी। सर, इस तरह के मर्डर की धमकी दोबारा आए तो आप क्या करेंगे? ये कैसा बेतुका सवाल है आपका? मैं हजारों बार कह चुका हूँ, मैं किसी भी धमकी से नहीं डरने वाला। मेरी बात सुनिए, इस इंक्वायरी कमीशन को पूरा करके मुजरिमों को कटघरे में खड़ा करने के बाद ही मेरा अपना गाँव चले जाना या फिर स्वर्ग सिधारना होगा। लाइव टेलीकास्ट का क्या मतलब है? आप वही सवाल करते रहेंगे और मैं वही जवाब देता रहूंगा। मुझे हजारों काम है लेकिन आपका यही एक काम है। ए, मिस्टर, अदालत में जज के बैठने से पहले कोई बैठता तक नहीं और आप हैं कि सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। ये मत भूलिए कि ये भी एक जज हैं। अरे चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से दूसरे प्रेस वाले भी बदनाम हो रहे हैं। शांत हो जाइए सर। Why are you getting angry? I am not angry. This is my way of answering to the silly questions. That's my nature. Excuse me sir, one last question please. Yes, come on. आप यहाँ अकेले हैं या साथ में कोई और भी है? Oh, आप दुश्मनों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहती हैं? I don't care. लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ मैं अकेला नहीं आया हूँ। ये क्रिसमस वैकेशन यहाँ कैलकटा में मनाने के लिए अपने बहुत बड़े परिवार को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। अब तो खुश हैं आप? Okay, that's it. Thank you. No more question. भाईजान, किसी को हमारा बोट 10 दिन के लिए किराए पर चाहिए, अच्छी रकम देगा। बुलाओ क्या? नीचे बिठा के रखो। भाईजान, वो बोट देखना चाहते हैं। अरे अरे, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तुझे आजकल चर्बी चढ़ गई है। ड्रामा करके टपकाऊंगा, डांस करके टपकाऊंगा, ऐसा कह रहा था मुझसे। अब लोग हमें टपकाने के लिए आ रहे हैं। हर धंधे में रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, खास करके हमारे धंधे में। आओ 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 जान, आओ आओ, तुम आओ, तुम आओ, आओ। कुर्सी लगाओ, बोला ना कुर्सी लगाओ। अरे अरे, तुम आओ, तुम आओ। गंदे से याद हटा। तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ जान, अब क्या करना है ये बोलो। क्या कर लोगे तुम? एजेंट के थ्रू आया होता तो उसकी गर्दन पकड़ लेता। डायरेक्टली सौदा किया ना, जज को तो मैं यूं ही टपका देता, ऐसे ऐसे चुटकी बजाते हुए। लेकिन मेरी गैंग फंस जाती। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था साला पिता, अब चुप क्यों बैठा है? अरे जान, छोटा बच्चा है, छोटी सी मिस्टेक बड़ी मिस्टेक। हाँ, कबूल करते हो ना, छोटा बच्चा है तो कंचे खेलना, किसी का घर खाली करवाना, किसी सिनेमा हॉल के बाहर टिकटें ब्लैक करना, इस तरह के तुम्हारे लेवल के चिंदी काम करते रहना चाहिए था। अपनी औकात से बड़ा बिजनेस नहीं करना चाहिए। हम जो 5 साल पहले करते थे उसी की अब भी याद दिला रहे हो जान, ये कोई अच्छी बात है? प्लान करके करेंगे ना। अरे इत्मीनान से रहो। किसे इत्मीनान से रहने को कह रहा है? छोड़ दो सब लोग। अरे राका, छोड़ दे, मैंने कहा रे, छोड़ दे। मुझे क्या दिखा रही है गुस्सा? अपना गुस्सा जाके वहां पे। एक शब्द और कहा ना तो एक कदम भी नहीं चल पाओगे। इसका पैसा इसके मुंह पे फेंक दो। अरे ये क्या मजाक कर रहे हो? सारे पैसे खर्च हो गए। अरे रखा, अरे रखा, रखा। अरे अरे अरे, आउट, रुक जा। तेरा टारगेट मिस हो गया होगा लेकिन बचपन से ही मेरा टारगेट और मेरा लगाया हुआ निशाना कभी मिस नहीं हुआ है, अभी भी मिस नहीं हुआ है। उस जज का टाइम नहीं हुआ अभी तक। ए, आज तक तो वो जज तेरा टारगेट था लेकिन आज के बाद वो मेरा टारगेट है, चाहे जितने भी दिन लग जाए लेकिन उसे तो मैं ही जलाऊंगा। जाओ जान, आप देख क्या रहा है? किसी भी एजेंट को रख के उसे मार या ना मार, लेकिन अब 10 दिन के अंदर वो अपनी इंक्वायरी खत्म करे, उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। Finish him!
ये कोई फुल अमाउंट नहीं है, जस्ट एडवांस। दस दिन में इससे चार गुना मिलेगा। लेकिन काम पूरा करने के बाद। फिकर मत करो, पूरा करेगा। उस जज की सुरक्षा के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किए गए। उसे कहना कि सावधान रहे। क्यों माँ, सब लोग ठीक से एक्सरसाइज कर रहे हैं ना? हाँ बेटा, सब लोग कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो मैं छोड़ूंगी थोड़ी ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन एक मैडम जी जो है, जब तुम यहाँ नहीं होते हो ना, मेरी एक नहीं सुनती है, बस अपनी ही मनमानी करती रहती है। ए तारा, गुड मॉर्निंग अंकल। क्यों ऐसा करती हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हें दूसरों के लिए मिसाल बनना है। उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए। ढंग से एक्सरसाइज किया करो। ओके अंकल। और मेरे जाने के बाद ये कहा? सॉरी, ये क्या? कोई बात नहीं साहब, बोलना चाहता था। ओ Idiot. हाथ लंबा कर रहा हूँ तो मुंह में लड्डू रखा हुआ था, बोल नहीं सकता था, दूध लाया है। Stupid. साहब, क्या है? तो अपने प्यार से चेहरा पोछा वो? मेरे हाथ में दूध लग जाता ना, इसलिए। समझ गया। ए, क्यों अच्छी पड़ी ना? अब उसकी बारी है। क्यों इस तरह नानी और नातिन आपस में लड़ती रहती हो? नानी और क्या? बाप रे बाप, करेक्ट। हेलो, हमने कब लड़ाई की? बोलो, अभी तक क्या कर रहे थे? हम तो योगा कर रहे थे। तो ये योगा था? Yes, we are always friends. केवड़ा, केवड़ा, केवड़ा बताओ भैया, ये केवड़ा कहाँ है? अरे कोई तो बताओ, केवड़ा किधर है? अंधों की तरह टकरा कर कैसे जा रहा है जुलाब केवड़ा? अरे हिंदी में मैंने डाटा, लगता है समझ गया। अरे ये तो इधर ही आ रहा है, निकल लूं नहीं तो लगता है मेरी पिटाई करेगा। आ, लगता है चला गया। अरे बाप रे, ये तो आ गया। What, जुलाब की औलाद? जुलाब की औलाद means, औलाद का मतलब है फौलाद, जुलाब का मतलब है लूज मोशन। यू डैश मी अर्जेंट लूज मोशन। श्रीमान, ये क्या? मैं धन्य हो गया। What is this nonsense? महोदय, आप ज्ञान के सागर हैं। कलकत्ता में ठीक से हिंदी बोलने वाला मिलना मुश्किल है, उसमें भी आप जैसे परम ज्ञानी से मिलना मेरी खुश नसीबी है। जुलाब जैसे एक सिंपल शब्द का कितने समानार्थ, कितने भावार्थ दिए आपने। अरे वाह, आप तो बहुत जल्दी समझ गए। अच्छा ये बताइए, आप भी हिंदी वाले हैं क्या? तो क्या अभी तक मैं इंग्लिश में बोल रहा यही था? यही तो, आप कहीं नाराज ना हो जाएं ये सोचकर मैं खामखाई डर रहा था। आप किधर हैं? यहां पर। हिंदी वाले हैं, कंफर्म हो गया। ये बताइए आप यहाँ कैसे? अरे मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा होने वाला बहनोई गांव से आ गया है। अभी अभी उसका फोन आया कि वो एक ब्रिज के पास खड़ा है। मैंने पूछा वो ब्रिज का नाम क्या है, उसने कोई केवड़ा या बेवड़ा ब्रिज का नाम बताया। हावड़ा ब्रिज? हाँ, हावड़ा, 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 हावड़ा। आप जानते हो ब्रिज कहाँ है? लगता है आपको पता है। मजाक करने के लिए मैं ही मिला क्या? मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ? हावड़ा ब्रिज में खड़े होकर हावड़ा ब्रिज कहाँ है पूछ रहे हो? ये मजाक नहीं तो और क्या है? हावड़ा ब्रिज यही है। आप धन्य है, धन्य है। ऐसा ब्रिज अगर आप गांव में दिखा देते तो वहाँ के लोग आपको मंदिर में बिठा कर पूछते। गांव में हावड़ा ब्रिज कहाँ? हाँ, गांव में तो हावड़ा ही नहीं है, मैं कुछ गलत बोल गया। बहनोई को ढूंढता हूँ। बहनोई, बहनोई, बहनोई। आप काफी परेशान लग रहे हैं, चलिए चलकर चाय पीते हैं। दो चाय दे। चाय बोला आपने? हाँ। कितने में भाई? पैसा मैं दे दूंगा। तो फिर मसाला दूध बोली। अच्छा बोल देता हूँ, 2 जिगरी दंदा दूध। ये जिगर दंदा दूध क्या है? दूध तो दूध है। हाँ। जिगरी दंदा का मतलब होता है मसाला दूध। तो मुझे जो पसंद है वही बोला है ना? हाँ, जो आपको पसंद है वही बोलूंगा ना। जिगरी दंदा दूध। दो भाई, दो भाई। जिगर दंदा दूध। अरे ये क्या, एक ही घूट में खत्म कर दिया? अरे ये दूध इतना मजेदार है कि मुंह पे रखते ही सर्र करके अंदर चला गया। ठीक है, एक और दिए दो।
छेड़ दो। कहूंगा तो आप मानेंगे थोड़ी। ठीक है मंगा लीजिए, अपना टैंक फुल कर लेता हूँ। जिगरी नंदा। अच्छा आपका नाम क्या है? बैनर्जी। बैनर्जी? हाँ। लेकिन ये तो बंगाली नाम है ना? करेक्ट, मेरा ओरिजिनल नाम है शंभू। अरे अरे। फिल्मों का बैनर लगाया करता था तो लोग मुझे बैनर शंभू बोला करते थे। ये नाम मुझे बहुत खटकता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया कि शिवाजी, नेहरू जी, नेताजी जैसे नाम होते हैं ना, उनमें से जी निकाल कर उसे बैनर के पीछे चिपका दिया। तो ये हुई कहानी मेरे बैनर्जी नाम की। यहाँ कलकत्ता में यह नाम काफी फेमस है। लेकिन मैं पूरी दुनिया में फेमस हूँ। एक और लाना। अभी ऑर्डर कर रहे हो? अभी तो मैं ही ऑर्डर करूंगा ना। One more. बड़ा मजेदार है ना? जिगर नंदा तो सुपर। ऐसा लग रहा है हम लोग हवा में उड़ रहे हैं। ये बात है। अरे ये क्या है, तो दुकान ले जा रहा है? इसका दुकान है, वो ले जा रहा है। और नहीं मिलेगा। टाटा, कोई बात नहीं। बाय बाय। वो लोग टाटा क्यों कर रहे हैं? जा रहे हैं ना, इसलिए। सही कहा आपने। बहनोई अभी तक नहीं आया? अभी आएगा। आना ही होगा। जरूर आएगा। आना ही होगा। अच्छा ये बताओ, मुझे कुछ जहाज में चलने जैसा लग रहा है। चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है। हाँ पानी दिख रहा है मुझे। दूध ज्यादा हो गया। ऐसा क्या? तो फिर मुझे ये नहीं चाहिए। कुछ टूटने की आवाज आई, मतलब हम लोग जमीन पर हैं। अच्छा ये बताओ, क्या है? मुझे कुछ गोल गोल घूमने जैसा क्यों लग रहा है? मन में कोई बोझ हो हा? तो ऐसा ही होता है, उसे फौरन बाहर निकालना चाहिए। तो फिर मैं बाहर निकालता हूँ। जल्दी कर। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मुझे बहुत तकलीफ होती है। अच्छा? उस घर में छोटी बच्ची से लेकर बुढ़िया तक मुझे परेशान करते हैं। अफसोस की बात है। एक आम आदमी सुबह कितने बजे नाश्ता करता है? मैं 8 बजे करता हूँ। मैं 12:30 बजे नाश्ता करता हूँ। तो दोपहर का खाना? 4:30 बजे। और डिनर? सुबह के समय। और कब सोते हो? अरे ये क्या पूछ रहे हो, खाना खा के मेरा डकार और मुर्गे की सुबह वाली बांग कोरस की तरह एक साथ बजते हैं, तो फिर मैं कैसे सो सकता हूँ भला? इतनी तकलीफ है? इसी वजह से मेरा सर हमेशा चकराता है। अब अभी देखिए, हम लोग जमीन पर चल रहे हैं ना, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मैं सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर कहीं जा रहा हूँ। पाँव में कितना सूजन है, इस तरह आपको टॉर्चर करने वाला कौन है? वही जज है। गांव में तो सिर्फ उनके परिवार वालों की ही सेवा करनी पड़ती थी, यहाँ पर तो पूरी पलटन को लाकर मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उसे जान से मार दूँ। किसे? अरे उसी जज को। परसों ना जाने किसी ने उस आदमी पर निशाना लगाकर उसे शूट कर दिया, लेकिन उसे गोली नहीं लगी, वो बच गया। पता है क्यों? क्योंकि उसे मेरी गोली से मरना है। तुमको गोली चलाना आता है? अरे हाथ में बंदूक हो तो गोली कौन नहीं चला सकता? अगर बंदूक नहीं मिला तो? चाकू घुसा कर अतनिया बाहर निकालूं। और अगर चाकू भी नहीं मिला तो? तो उसे मैं कच्चा ही चबा डालूंगा। इतना काफी है, चलो मेरे साथ। मेरा गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। अरे ये क्या, अभी तक मैंने खून नहीं किया और मुझे कटघरे में पहले खड़ा कर दिया? योर ऑनर। चलो बैनर। हम बैनर लगाएंगे, चलो।